हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चीन ने सीमा पर इकट्ठा किया गोला बारूद, हमारी सेना भी तैयार, राजनाथ सिंह। लद्दाख के वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर अप्रैल महीने से जारी भारत चीन के बीच गतिरोध पर केंद्र रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को लोकसभा में जवाब दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारे जवानों के हौसले पूरी तरह से बुलंद है और हम किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि चीन ने सीमा पर गोला बारूद इकट्ठा कर लिया है, लेकिन हमारी सेना भी तैयार है। हमारे जवान देशवासियों को सुरक्षित रख रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि किसी को भी हमारे सीमा पर सुरक्षा के प्रति हमारे दृढ़ निश्चय के बारे में संदेह नहीं होना चाहिए। भारत मानता है कि पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्वक संबंधों के लिए आपसी सम्मान और आपसी संवेदनशीलता जरूरी है। उन्होंने कहा, अप्रैल महीने से ईस्टर्न लद्दाख की सीमा पर चीन की सेनाओं की संख्या तथा उनके गोला बारूद में वृद्धि देखी गई है। मई महीने की शुरुआत में चीन ने गलवान घाटी क्षेत्र में हमारे सेना की पेट्रोलिंग में व्यवधान शुरू किया, जिसके कारण दोनों पक्षों के आमने सामने आने की स्थिति उत्पन्न हुई। उन्होंने कहा कि मई महीने में गलवान घाटी में आमना सामना हुआ। चीन द्वारा मई महीने के मध्य में पश्चिमी लद्दाख के कई क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश की थी। हमने चीन से कूटनीतिक और सैन्य बातचीत के जरिए से साफ करा दिया कि ये एक तरफा सीमा को बदलने की कोशिश है और हमें ये मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं सदन से ये अनुरोध करता हूँ कि हमारे दिलेरों की वीरता एवं बहादुरी की भूरी भूरी प्रशंसा करने में मेरा साथ दें। हमारे बहादुर जवान अत्यंत मुश्किल परिस्थितियों में अपने अथक प्रयास से समस्त देशवासियों को सुरक्षित रख रहे हैं। इस पूरी अवधि के दौरान हमारे बहादुर जवानों ने जहां संयम की जरूरत थी वहां संयम रखा तथा जहां शौर्य की जरूरत थी वहां शौर्य दिखाया। रक्षा मंत्री ने सदन को बताया कि LAC पर गतिरोध बढ़ता हुआ देखकर दोनों तरफ के सैन्य कमांडरों ने 6 जून 2020 को मीटिंग इस बात पर सहमति बनी कि डिस एंगेजमेंट किया जाए। दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत हुए कि LAC को माना जाएगा तथा कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जाएगी जिससे यथास्थिति में कोई बदलाव हो। राजनाथ सिंह ने कहा कि 15 जून को चीनी सेना ने गलवान घाटी में हिंसक झड़प की, हमारे बहादुर सेना के जवानों ने अपनी जान का बलिदान किया और चीनी सेना के जवानों को भी काफी क्षति पहुंचाई है। जागरूक टीवी की खास रिपोर्ट।